दोस्तों, ये रहा शाहरुख खान का घर मन्नत, जिसको तो दुनिया के हर इंसान जानता होगा। हाँ, रेंट पे भी रहता है। क्या रेंट इधर का कितना है? 20,000। दोस्तों, देख सकते हो ये झोपड़पट्टियाँ हैं जिनमें लोग शाहरुख खान के घर के सामने रहा करते हैं। देख सकते हो यहाँ पे लोग कपड़े उपड़े रखे हैं सूखने के लिए। चलो, पीने का पानी कितने से आता है? या आता है ये समुद्र से? हाँ, समुद्र से पीने का पानी सबसे कब तक बढ़ता है? ये सुबह तक पूरा भर जाता है। कब? दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, फिलहाल इस वक्त मैं आया हूँ बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता, जाने माने अभिनेता किंग खान शाहरुख खान जी के बंगले के जस्ट ठीक सामने खड़ा हूँ। और देख सकते हो यहाँ पे अभी शाम का टाइम हो रहा है और कितना ज़्यादा क्राउड है। तो पर डे ना इसी तरीके का भीड़ यहाँ पे देखने को मिलता है। आप कभी भी आ जाओ, 365 दिन में कभी भी आ जाओ, शाहरुख खान के घर के सामने पर डे इतना ही भीड़ देखने को मिलता है। बट यहीं जस्ट इनके घर के सामने कुछ लोग झोपड़पट्टियों में रहते हैं, तो आज झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोगों की मैं ज़िंदगी दिखाऊंगा। चलेंगे अभी डायरेक्ट इनके घर के सामने, एक बीच है, बीच के सामने ही कुछ झोपड़पट्टियों में लोग रहते हैं, तो झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोगों का आज मैं ज़िंदगी दिखाऊंगा। आप इनका घर तो मतलब लगभग भारत के हर एक व्यक्ति जानता होगा, लेकिन जस्ट इनके घर के सामने ही कुछ लोग रहते हैं झोपड़पट्टियों में, वो आपको किसी ने नहीं दिखाया होगा। लेकिन बट आज की इस वीडियो में आप सभी को दिखाने वाला हूँ, तो बने रहें वीडियो के लास्ट तक। चलो अनिल भाई, चलते हैं। दोस्तों, चलो चलते हैं बीच की तरफ, जिधर लोग झोपड़पट्टियों में गुजर बसर अपना करते हैं। फिलहाल अभी शाहरुख खान के घर के मैं सामने था और सामने से चल रहा हूँ जिधर लोग झोपड़पट्टियों में रहा करते हैं, अपना गुजर बसर करते हैं। बने रहा वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, ये रहा शाहरुख खान का घर मन्नत, जिसको तो दुनिया के हर इंसान जानता होगा। दुनिया का तो नहीं, लेकिन इंडिया का तो हर एक पर्सन जानता होगा। बट जस्ट इनके घर के सामने कुछ झोपड़पट्टियों में लोग रहते हैं, इनका ज़िंदगी कोई नहीं दिखाया होगा। तो देख सकते हो जस्ट ये रहा शाहरुख खान का घर, और जस्ट इनके बाजू में ही कुछ झोपड़पट्टियों में लोग रहते हैं। तो मैं आप सभी को दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। देख सकते हो इधर झोपड़पट्टियों में काफ़ी लोग रहते हैं। चलो, मैं थोड़ा नज़दीक चल के आप सभी को दिखाता हूँ। तो देख सकते हो गाइस, पीछे मेरे बैंड्रा प्लेन स्टैंड बीच है, और बीच पे काफ़ी लोग एंजॉय कर रहे हैं, और जस्ट बीच के किनारे यहाँ पे लोग झोपड़पट्टियों में रहते हैं। तो आज मैं झोपड़पट्टियों में रहने वाली लोगों की जिंदगी याद दिखाऊंगा, कैसे लोग झोपड़पट्टियों में ये समुद्र के किनारे शाहरुख खान के जस्ट घर के सामने रहते हैं। तो बने रहे आप लोग वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, देख सकते हो ये झोपड़पट्टियाँ हैं जिनमें लोग शाहरुख खान के घर के सामने रहा करते हैं। देख सकते हो एक तरफ से एक कपल पॉइंट्स भी है, क्योंकि इधर लोग बहुत कम आते हैं, तो इधर लोग सभी लोग अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर इधर बैठे दिख जाएंगे आप जब भी आओगे। देख सकते हो ये झोपड़पट्टियाँ हैं जो घर शाहरुख खान के घर के जस्ट सामने हैं। बाकी अपना इधर देख सकते हो बैंड स्टैंड बीच, आगे ऊपर में आप सभी को बहुत सारे कपल्स भी दिख रहे होंगे, उनका वीडियो में दिखाता, लेकिन मैं कोई इधर लफड़ाबाजी करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सुनसान एरिया है और सुनसान एरिया में ये सब ना करो तो ही सही है। बाकी देख सकते हो यही झोपड़पट्टियाँ हैं जिनमें लोग गुजर बसर करते हैं। अभी मैं थोड़ा सा नज़दीक से चल के आप सभी को दिखाता हूँ, बने रहे आप लोग वीडियो के लास्ट तक। यहाँ पे कुछ आगे बच्चे भी हैं, उनसे चल के कुछ बातचीत करते हैं, बने रहे आप लोग वीडियो के लास्ट तक। तो देख सकते हो डायरेक्ट इधर बैंड्रा बैंड स्टैंड बीच है, और बीच के किनारे ये लोग झोपड़पट्टियों में रहते हैं, देख सकते हो। तो अभी मैं आप सभी को थोड़ा करीब से चल के दिखाता हूँ। देख सकते हो समुद्र का जब पानी बढ़ता है ना, तो कम से कम इनके घर के एकदम नज़दीक में चला जाता है। देख सकते हो मैं आप लोग इधर देख सकते हो, इधर लोग कपड़े उपड़े सुखाने के लिए रखे हैं। बाकी ये रहा अपना अरब सागर का नज़ारा, जो मैं आप सभी को दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। बाकी उधर कपल्स पॉइंट है। तो दोस्तों, फाइनली अभी मैं शाहरुख खान के घर मन्नत के जस्ट सामने ही हूँ, और यहाँ पे कुछ झोपड़पट्टियाँ हैं, और झोपड़पट्टियाँ में रहने वाले कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं। अब ओए हीरो, क्या खेल रहे हो? तो सही थोड़ा मारे बने तो मन क्या करना है? हाँ, मेरे को मतलब है ना। हाँ, मतलब क्या नाम है तुम्हारा? नाम बताओ। नाम जानिए क्या करोगे? क्या ओके ओ हीरो, हाँ आप यही रहते हो? मेरा कौन है सब? हाँ, ये समुद्र का पानी बढ़ता होगा तो आप यहाँ पे घर पे ज्यादा कुछ ले जाओ, ज्यादा तेरे को परेशानी है क्या? पीने का पानी कितने से आता है? या भी आता है ये समुद्र से? हाँ, समुद्र से पीने का पानी नहीं आते, पाइप लाइन पाइप लाइन से आता है।
काफ़ी दिक्कत भी होता होगा यहाँ पे, जब समुद्र का पानी पहुँच जाता होगा, गर्मी दिखता होगा। आप क्या कर रहे हो? आप यही रहते हो? आप यही रहते हो? समुद्र का पानी बढ़ता होगा तो आप लोग के घर में भी जाता होगा, परेशानी बहुत ज्यादा होता होगा, आप लोग कपड़ा वपड़ा कुछ नहीं जाता होगा। देखो क्या नाम है मेरे चौहान लोग, देख सकते हो यहाँ पे कुछ बच्चे मिले हैं जो यहीं पे रहते हैं। तो जस्ट बाजू में शाहरुख खान का घर है और शाहरुख खान के जस्ट घर के सामने ही झोपड़पट्टिया है और यहाँ पे झोपड़पट्टिया में रहने वाले लोगों की मैं जिंदगी थोड़ा सा मैं आप दिखाने का कोशिश किया। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो बता रहे हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है जब पानी बढ़ता है तो घर में तक चला जाता है, कपड़ा उपड़ा रहता है तो कपड़ा उपड़ा भीग जाता है। और सूखने के लिए देख भी सकते हो इधर सुखाने के लिए इधर कपड़े डाले गए हैं। तो ये पानी कब से कब तक बढ़ता है? सुबह तक पूरा भर जाता है। कब? सुबह तक लगाया था, लगाया जाता है। अच्छा अच्छा। घटता कब? कम कब होता है? कम हो जाता है शाम को, अभी तक भी कम हो जाता है। कब? सुबह को चढ़ जाता है, कभी दोपहर को निकल जाते हैं। अच्छा अच्छा। फिर शाम को कभी कभी चढ़ता है और रात को निकल जाता है। अच्छा, रेंट पे भी इधर लोग रहते हैं क्या? हाँ रेंट पे भी रहते हैं। क्या रेंट इधर का कितना है? होएगा 20,000। 20,000। चलो बाबू, थैंक यू। सनी चौहान ना? हाँ सनी चौहान ब्लॉग्स मानना। हाँ आप लोग भी यहीं रहते हो? अच्छा, तो देख सकते हो यहाँ पे कुछ बच्चे थे जिनसे मैं कुछ सवाल जवाब किया। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं और आप सभी को दिखाते हैं। देख सकते हो यहाँ पे लोग कपड़े उपड़े रखे हैं सूखने के लिए। चलो मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ और आगे से आप सभी को दिखाता हूँ। तो ये था समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों का ज़िंदगी जो मैं आप सभी को दिखाने का कोशिश किया। चलो और थोड़ा नज़दीक चलते हैं इन झोपड़पट्टियों के और ऊपर चल के इन झोपड़पट्टियों को मैं दिखाता हूँ, बने आप लोग वीडियो के लास्ट तक। देख सकते हो मेरा दोस्त नहीं लगा के चल रहा है नीचे से, तो मैं इन झोपड़पट्टियों को आप सभी को दिखाई दिया। अभी चलते हैं इन झोपड़पट्टियों को ऊपर और देख सकते हो ऊपर से कुछ इस प्रकार से झोपड़पट्टियाँ दिखती हैं जो मैं आप सभी को दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। कुछ इस प्रकार से दिखती हैं ये झोपड़पट्टियाँ ऊपर से, देख सकते हो चारों तरफ पतराई डाला गया है जो मैं आप सभी को दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। देख सकते हो इधर कुछ नारियल के भी पेड़ पौधे हैं। तो देख लो गाइस कुछ इस प्रकार से यहाँ से इन झोपड़पट्टियों का नज़ारा दिखता है और बैंड स्टैंड बीच का नज़ारा दिखता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो। जल्द मिलते हैं मुंबई के किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।